नमस्कार। आज 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में आयोजित G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरे देश के अन्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद हैं। इस सम्मेलन में आर्थिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा हो रही है। इसी बीच पोलैंड से खबर आ रही है कि वहां पर रशिया निर्मित एक मिसाइल गिर गया, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई। महीनों से चले आ रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जहां G20 में शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसी बीच इस मिसाइल का पोलैंड पे गिरना, जो कि नाटो का एक देश है, एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि यह मिसाइल रूस में निर्मित है, लेकिन रूस ने इसको छोड़ने की बात से इनकार किया है। यह मिसाइल कहां से छोड़ा गया था, यूक्रेन से छोड़ा गया था या रशिया से आया था, इस बात का पता नहीं चला है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने कहा है कि इस बात की अधिक संभावना है कि वह नाटो के आर्टिकल 4 को इन्वोक कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि नाटो के किसी भी देश के ऊपर अगर जो किसी तरह का असुरक्षा या खतरा महसूस होता है, तो उसके रिस्पांस के लिए, उसके जवाब के लिए डिस्कशन किया जा सकता है। आर्टिकल 4 को 1949 में लाया गया था। अभी तक यह 7 बार इन्वोक किया जा चुका है। हालांकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगर जो जांच में रशिया का हाथ मिलता है, तो यह एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर जो किसी तरह का तनाव नाटो देशों और रशिया के बीच होता है, तो यह एक बहुत ही बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है, जो कि तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। थैंक यू।